हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक दिशा और दूरी का एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें मैंने आपके लिए संपूर्ण दिशा और दूरी मैंने पहले आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, उसके 2-3 वीडियो बना दिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर जाके आप पहले नंबर दिशा और दूरी के बहुत बेहतरीन आप कॉन्सेप्ट के तहत पहले उन वीडियो को देखिए, तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें आ जाएंगी समझ में। आज हम आपके लिए दिशा और दूरी के इस पार्ट में आपको बताने वाले हैं जो MP कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में जो दिशा और दूरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। तो आप लगातार वीडियो बने रहिए, एक एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख देते हैं और एक एक क्वेश्चन को विथ कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपको समझाएंगे, तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो बोर्ड पर हमने दिशा और दूरी का पहला क्वेश्चन लिख दिया है। यह MP कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, इस प्रश्न को हम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि राम श्याम के दक्षिण में है और नरेश श्याम के पूर्व में है, तो नरेश के सापेक्ष राम किस दिशा में है, यह क्वेश्चन का आंसर अपन को देना है। तो इस क्वेश्चन को करने के पूर्व इसमें क्या पूछा गया है, केवल दिशा पूछी गई है, दूरी नहीं पूछी गई है। तो देखो, दिशा हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नंबर जो बहुत जरूरी होता है वो क्या होता है, दिशा चिन्ह। तो इस प्रकार हमने दिशा चिन्ह बना लिया है, पहले से बोर्ड पर बना दिया है। तो इस साइड कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा, यह पश्चिम दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को देखो कैसे आसानी से करना है। यदि राम श्याम के दक्षिण में है, राम है जो वो श्याम की कैसे है, दक्षिण में है, तो हमने माना कि यह क्या बना लिया अपन ने, श्याम। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, श्याम लिख दिया। अब श्याम को यहां पर है तो श्याम के दक्षिण में कौन है, राम है। देखो पहले ही लाइन लिखी है कि यदि राम श्याम के दक्षिण में है, तो श्याम के दक्षिण में कौन है, राम है। दक्षिण में है तो मतलब कहां की ओर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। तो देखो दक्षिण यदि यहां पर राम है जैसे इस पॉइंट पर, तो यहां से नीचे की ओर दक्षिण, श्याम की नीचे की ओर दक्षिण दिशा होगी, तो इस साइड नीचे की ओर यह कौन सी दिशा में हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो अपन ने क्या बना दिया, राम बना दिया। तो इस प्रकार से चीजें आपको समझ में आई, यदि राम श्याम के दक्षिण में है और लिखा है और नरेश श्याम के पूर्व में है, तो श्याम के पूर्व में कौन है, नरेश है, तो श्याम से पूर्व कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी। देखो पूर्व वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली, तो पूर्व में कौन हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, नरेश हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इस प्रकार आ जाएगा कि और नरेश श्याम के पूर्व में है। तो इस प्रकार से अपन ने तीनों की स्थिति बना दी। अब क्या लिखा है, तो नरेश के सापेक्ष राम किस दिशा में है, नरेश के सापेक्ष पूछा है, मतलब किससे पूछा है, नरेश से पूछा है। और जिससे जो चीज पूछी जाए वहीं पर क्या खींच देना है आपको, दिशा चिन्ह। अब दिशा चिन्ह जब हमने खींचा तो यहां पर दिशा चिन्ह खींचा नरेश के ऊपर, या नरेश जिस स्थान पर खड़ा है वहां पर अपन ने दिशा चिन्ह खींचा, तो यह कौन सा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, यह कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ऊपर कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और नीचे कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और नरेश से यह कौन सी दिशा हो जाएगी, नरेश के सापेक्ष पूछा है, यह कौन सी हो जाएगी, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं अपन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, या पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं। तो जो नरेश के सापेक्ष में राम कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो फाइनली इसका क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बोर्ड पर हमने एक और सवाल लिख दिया है, यह भी MP कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को करने के पूर्व हमें दिशा चिन्ह बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दिशा या दूरी का कोई सा भी सवाल आता है, यह चिन्ह बनाना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीमा 75 मील पूर्व की ओर चलने के पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 25 मील चलती है, वह पुनः बाईं तरफ मुड़कर 40 मील चलती है, और फिर बाईं तरफ मुड़कर 25 मील चलती है, वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मूल बिंदु या प्रारंभिक बिंदु एक ही बात कहलाती है। अपन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। हमने माना कि सीमा का जो मूल बिंदु है यह है स्थान जहां से उसने चलना स्टार्ट किया। तो क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे मूल बिंदु, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु हमने इस प्रकार से लिख लिया, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा इसका, मूल बिंदु जहाँ से वो चलना स्टार्ट कर रही है। क्या लिखा, सीमा 75 मील पूर्व की ओर चलती है। तो पूर्व देखो दिशा चिन्ह में कौन सी दिशा की ओर रहेगा, इस दिशा की ओर, तो 75 मील हमने मान लिया। तो ये कितनी हो जाएगी, ये लाइन हमने मान ली कि 75 मील कहां की ओर चली है, पूर्व की ओर चलने के पश्चात वह बाईं तरफ मुड़ती है। बाईं तरफ कहां की ओर, ऊपर की ओर मुड़ेगी, वो बाईं तरफ मुड़कर 25 मील चलती है। तो बाईं तरफ मुड़कर ऊपर की ओर मुड़कर हमने मान लिया कि यहां तक वह मुड़ी है, और कितनी मील चली है, 25 मील चली। तो यहां तक हमने मान लिया 25 मील चली। फिर आगे क्या लिखा, वह पुनः बाईं तरफ मुड़कर, अब पुनः बाएं उसका कौन सा हो जाएगा, इस साइड ओर हो जाएगा। तो वह बाईं तरफ मुड़कर कितनी चलती है, 40
चलती है तो हमने मान लिया कि यहाँ तक गई और यहाँ तक उसने कितना चल लिया है, 40 चल लिया है। 40 थोड़ी सा और आगे कर देते हैं कि यहाँ तक वह कितनी चल गई है, 40 मील चल गई है। अब आगे लिखा है कि बाईं तरफ मुड़कर 40 मील चलती है वह पुनः है, या फिर बाईं तरफ मुड़कर 25 मील चलती है बाईं पुनः मुड़ेगी तो कहाँ की ओर हो जाएगी, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मुड़कर कितनी चलेगी, 25। क्यों चलेगी, यहाँ पर क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये 25 की है, तो ये वाली लाइन भी कितनी की हो जाएगी, 25 मील की हो जाएगी। अर्थात वह घूम घाम के, पूरा घूम के कहाँ पर आ गई है, इस बिंदु पर आ गई है। तो अपन को देखना है वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो मूल बिंदु से वह इतनी दूरी पर है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 75, और 75 में से इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 40। तो देखो 75 में से यदि हम 40 घटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो 75 में से जब 40 जाएंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी आपकी, 35 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा कि वह अपनी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 35 मील की दूरी पर है। तो इस प्रकार यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रकार एमपी कांस्टेबल में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछी जाती। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। यह क्वेश्चन भी एमपी कांस्टेबल में पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख देते हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, यह भी एमपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राधिका अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 50 मील गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मील गई, उत्तर की ओर मुड़कर 30 मील गई, इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिशा और दूरी से पूछा जाता है, इसमें भी आपको दिशा चिन्ह बनाना बहुत आवश्यक है। दिशा चिन्ह बनाने के बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या लिखा है कि राधिका अपने घर से, हमने माना कि राधिका का घर, अपन ने इस पॉइंट को मान लिया कि यह पॉइंट किसका घर है, राधिका घर है, कि राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर मतलब किस दिशा में, नीचे की ओर कितने मील गई, 50 मील गई। तो हमने मान लिया यहां से यहां तक वह कितने मील गई, 50 मील गई। फिर वह बाईं ओर मुड़कर कितने मील चलती है, 20 मील चलती है। तो बाईं ओर किस दिशा की ओर रहेगा, इस दिशा की ओर रहेगा। तो बाईं ओर मुड़कर कितनी चलेगी, वह 20 मील चलेगी। तो अपन ने कहां पर मान लिया, 20 मील गई। फिर उत्तर की ओर मुड़कर कितने मील गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मील गई। तो उत्तर कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, तो उत्तर की ओर मुड़ेगी और कितनी मील जाएगी, 30 मील जाएगी। तो देखो ये लाइन 50 की है, तो यहाँ कहीं अपन मान लेंगे कि कितना हो जाएगा, 30 मील हो जाएगा। अब उनने पूछा है तो उनने पूछा है कि इस स्थान से, मतलब यहाँ पर पहुँच गई है, इस स्थान से राधिका का घर किस दिशा की ओर है। तो अपन यहाँ पर जहाँ से पूछा है वहाँ पर खींचेंगे दिशा चिन्ह। यह दिशा हो जाएगी पूर्व दिशा, ऊपर की दिशा हो जाएगी उत्तर दिशा, नीचे की इस साइड की दिशा हो जाएगी पूरब के बाजू की दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। और अपन देखते हैं यहाँ से उसका घर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा में उसका घर है। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अपन इसको और अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ी सा समय लग रहा है, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है तो और फास्ट अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लगातार वीडियो में देख रहे हैं कि देखो एमपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद और हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देते हैं, एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह भी जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, यह भी एमपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला। इसका मतलब क्या है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, टोटल 5 फीट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वह अपने दाई ओर 6 फीट चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 फीट चला, अंत में वह अपने बाईं ओर 6 फीट चला। अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, तो ये अपन को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्या है, एक बंदे का नाम है या कोई व्यक्ति है, क्या है, मौली नाम का व्यक्ति है। बिंदु ए से हमने माना कि उसका बिंदु, अपन ने क्या मान लिया, बिंदु ए यहाँ पर है। बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला, बिंदु ए से बिंदु बी तक हमने मान लिया कि यहाँ कहीं उसका बिंदु कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक कितना चला, वह 5 फीट चला। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 फीट हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला। तो देखो दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर जब यहाँ आ गया है, वो इस साइड मुंह करके खड़ा है, तो दाईं ओर कहाँ की ओर रहेगा, नीचे की ओर। और दाईं ओर मुड़ा और कितना चलेगा, 6 फीट चलेगा। तो अपन ने माना कि दाईं ओर नीचे की ओर मुड़ा और कितना गया, 6 फीट गया।
और फिर बाईं ओर मुड़कर, अब बाईं ओर किस दिशा में मुड़ेगा, इस दिशा में मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़कर कितना चला है, 4 फिट चला। तो अपन ने मान लिया यहां कहीं उसने कितना चला, 4 फिट की लाइन ये मान ली, तो बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 4 फिट चला। अब आगे क्या लिखा, 4 फिट चला, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर 6 फिट चला। अंत में वह बाईं ओर, तो बाईं ओर कहाँ की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 4 फिट चले, सॉरी 6 फिट चलेगा। तो देखो ये वाली लाइन 6 की है, तो ये वाली लाइन भी कितनी की हो जाएगी, 6 फिट की हो जाएगी। तो वह अंत में कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। मौली अब कहाँ पर आ गया, तो मौली की ये क्यों कौन सी स्थिति हो जाएगी, अंतिम स्थिति हो जाएगी, यहाँ पर आ गया है। तो उनने क्वेश्चन क्या पूछा है, अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है। तो देखो बिंदु बी ये है और ये है, यहाँ पर ये सामने कौन आ गया है, मौली। तो यहाँ से लेके यहाँ की जो दूरी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, बिंदु बी और मौली के बीच की दूरी। तो उनने पूछा है देखो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में कैसी रहेंगी, बिल्कुल समान रहेंगी। तो ये 4 फिट है, तो ये भी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4 फिट हो जाएगी। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बिंदु बी से मौली की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 फिट हो जाएगी। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 4 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत आसान है चीजें, तो आप यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है तो चीजें बहुत आसान है। देखो कितनी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा और पढ़ने में अपन को लगता है कि हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो कितनी आसानी से हो गया। इस प्रकार चीजें बहुत आसानी से पूछी जाती हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। वीडियो में बने रहिए, इसके बाद और क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। एक और क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल का मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इस क्वेश्चन को भी अपन करते हैं। क्या लिखा है कि रमेश पूर्व की ओर 20 मील गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मील चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मील चला तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मील चला, रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सरल है यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है। उसके पहले हमने आपको पहले भी बताया कि कोई भी क्वेश्चन करने के पूर्व दिशा चिन्ह बनाना अति आवश्यक है। यदि क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप दिशा चिन्ह बना लें। इस प्रकार हमने दिशा चिन्ह बना लिया। अब उन्होंने बोला कि रमेश पूर्व की ओर 20 मील गया, हमने जाना कि रमेश का स्थान यह है, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया पूर्व की ओर। पूर्व की ओर कौन सी दिशा में रहेगा, इस साइड रहेगा, दिशा चिन्ह में देखेंगे इस साइड है पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर कितना गया, हमने मान लिया यहां पर कितना गया, वह 20 मील गया। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि 20 मील गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मील चलने के बाद, अब पहले बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं कहां की ओर रहेगा, नीचे की ओर। तो बाईं ओर मुड़ा और कितना चलेगा, 15 मील। तो हमने मान लिया यहां पर ये कितने गया, बाईं ओर मुड़कर 15 मील चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़कर 25 मील चला। तो दाईं ओर किस दिशा में मुड़ेगा, अब दाईं ओर मुड़ेगा इस दिशा में, कि दाईं ओर जब जाएंगे कि इस दिशा में मुड़ेगा, तो दाईं ओर इस दिशा में मुड़ेगा। तो दाईं ओर मुड़कर वह कितना जाएगा, कितना लिखा है, दाईं ओर मुड़कर 25 मील गया। तो दाईं ओर मुड़कर 25 मील जाएगा। तो देखो 20 से ये ज़्यादा रहेगा 25, तो यहाँ पर यहाँ कहीं वह आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दाईं ओर मुड़कर कितना मील जाएगा, 25 मील जाएगा। आगे देखते हैं कि फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मील गया, तो दाईं ओर मुड़कर कितना, अब ऊपर की ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा, 15 मील जाएगा। चूंकि ये वाली लाइन 15 की है, तो ये वाली लाइन भी जस्ट इसकी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और दाईं ओर मुड़कर कितना चला जाएगा, 15 मील चला जाएगा। अब उसने वो कौन से स्थान पर पहुँच गया, इस वाले स्थान पर वह अंतिम में पहुँच गया। पूछा क्या गया है कि रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो प्रारंभिक स्थान हो जाएगा ये वाला और अंत में पहुंच वो यहाँ पर गया है, तो कितनी दूरी पर है, हमने देखा हुआ है यहाँ पर डॉटेड वाली लाइन से इतनी दूरी पर है। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना। यदि हम यहाँ से यहाँ तक की यदि एक रचना कर दें, एक लाइन खींच दें, तो ये वाली जो 20 की है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी टोटल कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 हो जाएगी और ये टोटल 25 है, तो ये कितनी बचेगी, 5 बचेगी। और जब ये वाली 5 बचेगी, तो ऊपर वाली भी कितनी बचेगी, 5 मील। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हो जाएगा, 5 मील की दूरी पर हो जाएगा। तो वह आंसर फाइनली कितना हो जाएगा, 5 मील। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये 5 क्वेश्चन हमने एमपी कांस्टेबल के लिए थे, क्योंकि आने वाले समय में एमपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। तो आपको चीजें हमने बता दी कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको इतने लेवल की चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद हम कल से रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन चालू करने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। शिखर तेंदुखेड़ा YouTube चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि इस पर हम संपूर्ण मध्य प्रदेश का पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो आप लगातार हमसे जुड़ जाइए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।